found out in it? मैं ऑडिबल साउंड आ रहा है? और जो एग्जाम एग्जाम कैसा था? नहीं एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ सबका? ओके सो नो मोर एग्जाम इन द कमिंग वीक. आने वाला वीक में कोई एग्जाम नहीं है बिकॉज नेक्स्ट यू हैव योर फेजन एग्जाम. नो आई थिंक यू हैव योर फेजन फ्रॉम 2nd of July और 3rd of July. 2nd of July. एंड व्हाट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट? फिजिक्स. ओके फर्स्ट इज फिजिक्स. Okay then, so we will try to complete this chapter as soon as possible. After we complete this chapter, then we will give a quick revision. Okay, जहाँ पे भी किसी को कुछ doubt है, so we can just continue with the doubts. Okay, so in the last class, I think we completed up to Western Bridge. Yes or no? So now continue with the same. Next, write down sensitivity of a Western Bridge. Sensitivity of a Wheatstone bridge. In between there are some other topics also. There are some other topics also like mobility, then temperature dependence on resistivity, then you have combination of cells. So for some I will provide videos and for some I will continue in the class. Okay. So sensitivity of a Wheatstone bridge. नाउ देखो हाँ हम लोग को मालूम है व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है. देर आर फोर अननोन रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस एंड वी जनरली यूज ए व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर टू दिस वन व्हाट टू से कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस एस. नाउ जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका डिफ्लेक्शन क्या होता है? जीरो. देर इज नो डिफ्लेक्शन है कि नहीं. इसको हम लोग नल कंडीशन बोलते हैं या फिर नल पॉइंट बोलते हैं. ओके क्योंकि कोई भी जीरो डिफ्लेक्शन हो रहा है. नाउ जो हम लोगों का बैलेंस कंडीशन था वो बैलेंस कंडीशन क्या था? पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस. अभी अगर मान लो किसी वजह से ओके बिकॉज ऑफ एनी रीजन बिकॉज ऑफ सम इंटरनल रीजन और बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल कंडीशन किसी भी वजह से क्या हुआ ये जो अननोन रेजिस्टेंस एस है इसमें थोड़ा चेंज आया. इसमें थोड़ा चेंज आया पर चलो वेरी माइन्यूट चेंज. मतलब नॉर्मली अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स में ये चेंज कंसीडर करें सो वी कैन इग्नोर द वैल्यू. ठीक है पकड़ लो इसका वैल्यू था 1 ओम. अभी किसी कारण से इसका क्योंकि ये तो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ना तो इसका रेजिस्टेंस पकड़ लो 1.0002 ओम हो गया किसी वजह से. एकदम थोड़ा सा चेंज हो गया जो रेजिस्टेंस आर्म है. ठीक है ठीक है एस तो हम लोग को डिटरमाइन करना है जो हम लोग का रेजिस्टेंस आर होता है मतलब अननोन रेजिस्टेंस अननोन सॉरी क्या बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस आर होता है ना जहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स लगा कर रखते ये रियोस्टेट होता है मैंने उस दिन समझाया. तो ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है पकड़ लो ये वेरी पॉइंट वैल्यू से चेंज हो गया थोड़ा चेंज हो गया. नाउ रेजिस्टेंस चेंज होना मतलब क्या होता है जो सर्किट में करंट है वो भी चेंज होगा. यस नो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है करंट को ब्लॉक करना. तो अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो जो करंट है उसका भी वैल्यू क्या होगा थोड़ा इधर उधर होगा है कि नहीं. तो कभी कभी कोई कोई व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट ऐसा होता है या अगर इसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है ये जो नीडल है ना ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा. ये नीडल बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा मतलब क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर है जिस नॉट एन एमीटर तो ये मेजरमेंट नहीं दिखाएगा ये सिर्फ डिफ्लेक्शन शो करेगा. तो डिफ्लेक्शन देखने से ऐसा लगेगा जैसे सर्किट में से बहुत ज्यादा करंट या बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस चेंज हो गया बट इन रियलिटी देर इज अ वेरी माइन्यूट चेंज सच चेंज विच वी कैन इग्नोर. ओके तो अगर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के चेंज के वजह से कोई कोई वेस्टर्न ब्रिज बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है तो सच काइंड ऑफ वेस्टर्न ब्रिज आर सेड टू बी व्हाट ए सेंसिटिव ब्रिज. सेंसिटिव मतलब क्या होता है व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिव किसी कोई सेंसिटिव अगर हम लोग बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा भी लगेगा तो वो बहुत ज्यादा रिएक्शन देगा ना.
है कि नहीं? सेंसरी मतलब क्या होता है, थोड़ा चेंज के लिए बहुत ज्यादा रिएक्शन देना। तो सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा चेंज के लिए बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ इमेज। ओके, तो राइट डाउन इसके नीचे लिखो, ए वेस्टर्न ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव, ए वेस्टर्न ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव, ए वेस्टर्न ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इफ द गैल्वेनोमीटर शोज ए वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन, इफ द गैल्वेनोमीटर शोज ए वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन, इफ द गैल्वेनोमीटर शोज ए वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर वेरी स्मॉल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस, फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस आर्म, फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज इन ऑफ रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस आर्म, मतलब जो रेजिस्टेंस आर्म है अगर उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस चेंज की वजह से बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जो व्हिटन ब्रिज इज सेंसिटिव। ओके, नाउ ये सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड होता है, सो चेंज द पैराग्राफ एंड राइट डाउन, द सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज डिपेंड्स ऑन, द सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज डिपेंड्स ऑन, राइट डाउन, नंबर वन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर, द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर, द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, मतलब बैटरी और गैल्वेनोमीटर का पोजिशन कैसा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड होता है रिलेटिव पोजिशन ऑफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, फर्स्ट ऑफ। नंबर टू, नंबर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ द फोर आर्म, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ द फोर आर्म, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ द फोर आर्म, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ द फोर आर्म, जो चार आर्म है पी क्यू आर एस उसका मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। सो नीचे स्टार मार्क देके लिखो, गिव ए स्टार मार्क एंड राइट डाउन, व्हिटन ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब हो जाता है, एक व्हिटन ब्रिज, अभी हम लोगों ने बोला ना व्हिटन ब्रिज सेंसिटिव होगा, तो हम लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा व्हिटन ब्रिज सेंसिटिव है कि नहीं, ये व्हिटन ब्रिज तभी सेंसिटिव होता है जब उसका चारों रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, ठीक है, सेम हो जाता है या फिर सेम ऑर्डर का होता है, ठीक है, पकड़ लो चार रेजिस्टेंस है और वो सेम ऑर्डर का मैग्नीट्यूड है चारों का, तब उसका सेंसिटिविटी हाई होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। सो राइट डाउन, ए व्हिटन ब्रिज कैन हैव मैक्सिमम सेंसिटिविटी, ए व्हिटन ब्रिज कैन हैव मैक्सिमम सेंसिटिविटी, ए व्हिटन ब्रिज कैन हैव मैक्सिमम सेंसिटिविटी व्हेन, when a Whitten bridge can have maximum sensitivity, when the magnitude of all the four resistance are of same order, when the magnitude of all the four resistance are of same order, when the magnitude of all the four resistance are of same order, are of same order, okay? ओके, सो नेक्स्ट लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट लाइन ऑफ मीटर ब्रिज, नाउ देखो, हाँ ये चैप्टर में से जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो 8 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोगों को 110% मिल जाएगा, या तो व्हिटन ब्रिज या पोटेंशियोमीटर, ओके, फॉर श्योर यू विल गेट 1-5 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, आइदर व्हिटन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, and one sure shot 3 marks question you will get meter bridge, ठीक है, it is very important for boards also, ठीक है, क्योंकि board में भी इसका derivation काफी बार आ चुका है और आने का chances रहता है, okay, so Whitten bridge and Whitten bridge and वो क्या बोलता है इसको, this one potentiometer, इसमें से 1 to 5 marks के लिए आएगा, 3 marks के लिए ये meter bridge अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, now देखो meter bridge होता क्या है, so write down, a meter bridge is the simplest practical application, a meter bridge is the simplest practical application, a meter bridge is the simplest practical application
ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, ए मीटर ब्रिज इज द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज इन ऑर्डर टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस, इन ऑर्डर टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस, इन ऑर्डर टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। ओके, तो हम लोग को मालूम है व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज से काफी ज्यादा सिंपल है। व्हीटस्टोन ब्रिज में जैसे हम लोग किर्चॉफ्स लॉ लगाकर हम लोग यूज करते हैं टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का फंक्शन सेम है, टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस से वर्किंग अलग है। व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग क्या है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मीटर ब्रिज वो व्हीटस्टोन ब्रिज को ही फॉलो करता है इन ए मच मोर सिंपलर वे। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं जो मीटर ब्रिज एक्चुअली होता कैसे। ठीक है, अच्छा उससे पहले पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन लिख दो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। ओके, नाउ चलो हम लोग देखते हैं जे ओके मीटर ब्रिज होता कैसे। ओके, तो ये होता है पूरा पोटेंशियोमीटर, सॉरी जो मीटर ब्रिज है उसका पूरा फुल डायग्राम, सर्किट डायग्राम एंड अरेंजमेंट। तो चलो इसको पूरा अच्छे से ड्रॉ करो, फिर मैं समझा देता हूँ इसका क्या फंक्शन है और कैसे काम करता है। ठीक है, ये हो गया वुडन बोर्ड, सिंपल चीज है ना, एकदम सिंपल चीज है।
ओके सो चलो इसका वर्किंग देखते हैं. ओके सो नेक्स्ट राइट डाउन वर्किंग, सॉरी बिफोर वर्किंग राइट डाउन कंस्ट्रक्शन, सॉरी फर्स्ट राइट डाउन कंस्ट्रक्शन. सो देखो हाँ, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है एक वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स किया गया हुआ है. इसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है ये इस वायर के ऊपर डिपेंड होता है. ये वायर का लेंथ कितना होता है, ये वायर का लेंथ होता है 1 मीटर. ओके ये वायर कितना होता है, 1 मीटर लॉन्ग, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज बोला जाता है. यहाँ पे हम लोगों के पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, आरबी मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स. रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, जहां से हम लोग जितना रेजिस्टेंस चाहिए वो निकाल सकते हैं, दैट मीन्स इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. ये जो रेजिस्टेंस है एस, इसका वैल्यू निकालना, इट इज अननोन रेजिस्टेंस. नाउ हम लोग को मालूम है व्हीटस्टोन ब्रिज में टोटल कितना रेजिस्टेंस होता है, 4 रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही रेजिस्टेंस है. तो ये जो वायर है ना, ये वायर को हम लोग किसी भी पॉइंट पे 2 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं. तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ये जो स्ट्रिप दिख रहा है ना, एल शेप स्ट्रिप, ये कॉपर का बना हुआ होता है, कंडक्टिंग होता है. तो हम लोग के पास 3 कॉपर स्ट्रिप है, ये दोनों कॉपर स्ट्रिप के बीच में ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, और ये दोनों कॉपर स्ट्रिप के बीच में ये अननोन रेजिस्टेंस एस है. और इस कॉपर स्ट्रिप से हम लोगों ने एक रेजिस्टर, रेजिस्टेंस बॉक्स और एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया हुआ है. ओके विद द हेल्प ऑफ ए नीडल, ये जो गैल्वेनोमीटर और ये जो स्विच है ना, इसको की बोलता है, ये मूव कर सकता है हम लोग. तो ये जो वायर है ना, हम लोग क्या करेंगे, इस जो की है, ये की को हम लोग मूव करते जाएंगे. मूव करते 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 कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो 0 हो जाएगा. ये वायर के ऊपर ये की को मूव करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा. वायर का जिस पॉइंट पे ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया, वो हम लोग का क्या है, दैट इज अवर व्हाट, दैट इज अवर बैलेंस पॉइंट. दैट मीन्स उसी पॉइंट पे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा, ये मीटर ब्रिज क्या हो जाएगा, पूरा बैलेंस्ड हो जाएगा. तो जब बैलेंस्ड हो जाएगा, जिस पॉइंट पे बैलेंस होगा, पकड़ लो ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट पे ये जो वायर है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस पकड़ लो P और ये दूसरे पार्ट का रेजिस्टेंस पकड़ लो Q. तो हम लोगों ने क्या किया, वायर को 2 रेजिस्टेंस पार्ट में डिवाइड कर दिया, पी एंड क्यू, 2 रेजिस्टेंस पार्ट में डिवाइड कर दिया पी एंड क्यू. और ऑलरेडी हम लोग के पास 2 गिवन रेजिस्टेंस है, आर एंड एस, तो अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4. और जब ये गैल्वेनोमीटर को मूव करते करते एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे जहां पे डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन. ये जो गैल्वेनोमीटर के साथ ये जो लगा हुआ है ना की, जिसको हम लोग मूव कर रहे हैं, ये मूवेबल की को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड जॉकी. ओके दिस मूवेबल की इज कॉल्ड जॉकी. तो ये जॉकी को मूव करते करते जब बैलेंस पॉइंट आ जाएगा, तब हम लोगों को ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल के ऊपर ये मीटर ब्रिज भी एप्लीकेबल हो जाएगा. ओके सो राइट डाउन द अरेंजमेंट इज फिक्स्ड ऑन ए वुडन बोर्ड, द अरेंजमेंट इज फिक्स्ड ऑन ए वुडन बोर्ड एज शोन इन द फिगर, as shown in the figure. It consists of a 1 meter long wire. It consists of a 1 meter long wire made up of magnanin. ये wire किस material का बना हुआ था, magnanin. Magnanin क्या है, magnanin is a kind of alloy. तुम लोगों को मिला होगा ना chemistry में, what is alloy, जो 2 या 3 materials को mix करके बना हुआ होता है. तो मैग्नानिन एक तरह का एलॉय होता है. व्हाई एलॉय, क्योंकि एलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा अच्छा होता है. ठीक है सो राइट डाउन, इट कंसिस्ट ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग वायर मेड अप ऑफ मैग्नानिन फिक्स्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड सी इन द कॉपर स्ट्रिप, फिक्स्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड सी इन द कॉपर स्ट्रिप, in the copper strip. Full stop. A resistance box R, a resistance box R and an unknown resistance S, a resistance box R and an unknown resistance S are also connected
बिटवीन द आर ऑल्सो कनेक्टेड बिटवीन द गैप ऑफ द कॉपर स्ट्रिप्स आर ऑल्सो कनेक्टेड बिटवीन द गैप ऑफ द कॉपर स्ट्रिप्स आर ऑल्सो कनेक्टेड बिटवीन द गैप ऑफ द कॉपर स्ट्रिप्स फुल स्टॉप. द अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड विथ ए बैटरी एंड ए स्विच के. द अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड विथ ए बैटरी एंड ए स्विच के एंड ए The arrangement is provided with a battery and a switch K and a movable jockey connected with a galvanometer Full stop. ओके तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट लाइट डाउन वर्किंग. बहुत ही सिंपल वर्किंग है. ओके नेक्स्ट लाइट डाउन वर्किंग. लाइट डाउन when the resistance R मतलब हम लोग को कितना रेजिस्टेंस जरूरत होता है उतना हम लोग यहां से निकाल के रख दिया. ओके व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज एडजस्टेड द जॉकी इज मूव्ड अलोंग द वायर एसी. द जॉकी इज मूव्ड अलोंग द वायर एसी टिल ए पॉइंट इज फाउंड where the galvanometer shows zero deflection till a point is found where the galvanometer shows zero deflection till a point is found where the galvanometer shows zero deflection full stop. This point is called the balance point of the meter bridge. This point is called the balance point of the meter bridge. This point is called the balanced point of the meter bridge. Okay, so balance point pe kya ho jayega, therefore P by Q equal to R by S. Now dekho jaise balanced hua ye wire jo hai ye do part mein divide ho gaya. To ye part ka length kitna tha, P ka length kitna hai AB aur Q ka length kitna hai BC equal to R by S. Now dekho जो ए बी और बी सी है ये टोटल लेंथ कितना है 1 मीटर. अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में ले ले तो मैं मान रहा हूं ये जो लेंथ है जहां पे इसको बैलेंस हो गया ये लेंथ है एल. पकड़ लो ये लेंथ कितना है एल. तो ये जो बाकी पार्ट बचेगा ये कितना बचेगा 100 माइनस एल वी आर फाइंडिंग इन सेंटीमीटर. ओके इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ओके वी आर फाइंडिंग दिस वन इन सेंटीमीटर. तो नाउ ए बी की जगह मैं लिख सकता हूं एल और बी सी की जगह मैं लिख सकता हूं 100 माइनस एल. ये गैल्वेनोमीटर का नीडल को स्ट्रेट रखना मतलब डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है और यहां पे क्या है आर बाई एस. तो हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को मेनली अननोन रेजिस्टेंस एस निकालना है. सो देयरफॉर अननोन रेजिस्टेंस एस कितना जाएगा आर 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई L. तो ये हो गया अननोन रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला. ठीक है सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ए मीटर ब्रिज व्हिच इज मच मोर सिंपल देन दैट ऑफ ए व्हिटन ब्रिज. ओके इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इट इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ए व्हिटन ब्रिज. आया समझ में आया. कैन आई ड्रॉप द डायग्राम, डायग्राम ड्रॉप कर दूंगा. नाउ देखो हाँ जैसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकाला हम लोग रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते. किसका मेनली यहाँ पे सब अननोन रेजिस्टेंस का निकालना होता है ना. ओके सो देयरफॉर
वेटी ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस एस। सो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, यहाँ पे एस इक्वल टू आ जाएगा रो एल बाई ए, मैंने एल की जगह एल डैश लिया क्योंकि एल हम लोगों ने ऑलरेडी लेंथ ऑफ द गिवन वायर दिया हुआ है, यहाँ पे एस अलग है कि नहीं, एस वो मैग्नानिन का वायर नहीं है, दूसरा वाला जो अननोन रेजिस्टेंस है वो वाला वायर है। सो इसका लेंथ ले लिया एस डैश, सॉरी एल डैश, तो देयरफॉर रो कितना आ जाएगा, रो आ जाएगा एस इंटू ए डिवाइडेड बाई एल डैश, वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई एल डैश। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस एस। देखो समझ में आया, মানে আমার ওচর ইয়াতে একটা আননোন রেজিস্টেন্স আছে না হয় এইটু এস যুনটু আমি কপার স্ট্রিপত এই আননোন রেজিস্টেন্সর যুনটু ওয়ায়ার হয় সেইটোর লেন্থ আমি এল ড্যাশ বলি লৈছো বিকজ এল কিয় লওয়া নাই অলরেডি আমার যুনটু এইটু ওয়ায়ার আছিলে এইটোর ব্যালেন্স পয়েন্টর এইটোর লেন্থ আমি এল লৈ থৈছো নহয় এইটোর লেন্থ আর এইটোর লেন্থ বেলেগ হে এইটো বেলেগ ওয়ায়ার এইটো বেলেগ ওয়ায়ার সো এইটোর কারণে আমি ইয়াতে এইটো এল ড্যাশ ললো বিকজ অলরেডি আমি এল ফর্মুলাত ইউজ করে থৈছো ঠিক আছে।